हेलो फ्रेंड्स, आज हम कोरल ड्रॉ X5 में न्यू ओपन क्लोज क्लोज और सेव सेवेस सीखेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक इमेज ड्रॉ की हुई है, उसका डिफॉल्ट नेम होता है अनटाइटल वन। अगर आपको नया पेज लेना है तो फाइल मेन्यू में जाके न्यू ऑप्शन है, यहाँ से भी आप ले सकते हो। न्यू ऑप्शन की शॉर्टकट की है कंट्रोल एन, वहाँ से भी आप सीधा कंट्रोल एन करके ले सकते हो। और स्टैंडर्ड टूल बार में भी आपको न्यू का आइकॉन दिया है, वहाँ से भी आप ले सकते हो। जैसे हम फाइल मेन्यू में जा रहे हैं, फाइल मेन्यू पे क्लिक कीजिए और उसमें न्यू ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको बॉक्स दिखा रहे हैं जिसमें हमें अगर नेम देना है दे सकते हैं, अदरवाइज ओके देंगे तो डिफॉल्ट अनटाइटल टू ऑप्शन ऑटोमेटिकली ले लेगा। अगर आपको यहाँ पे कोई भी इमेज बनानी है, जैसे हम यहाँ पे इमेज बनाते हैं, हम यहाँ पे कोई ड्राइंग बनाते हैं, जैसे हम टूल बॉक्स में से रेक्टेंगल टूल लेते हैं और उसका ड्राइंग बनाते हैं। जैसे हमने इस पर क्लिक किया और कुछ एरो ड्रैग करके रंगोली जैसी हम यहाँ पे इफेक्ट बनाते हैं। हमने उसकी डुप्लीकेट कॉपीज ले ली और सिलेक्ट ऑल करके हम यहाँ से उसको कंबाइन कर रहे हैं अरेंज मेन्यू में जाके और कलर फिल कर रहे हैं। अगर मुझे इस इमेज को सेव करना है तो जिसके लिए हमें जाना रहेगा फाइल मेन्यू में, फाइल मेन्यू पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको दिया है सेव ऑप्शन। सेव ऑप्शन में जाइए जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल एस, उस पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें आपको कहाँ सेव करनी है वो आपको सोर्स डिफाइन करना रहेगा। जैसे हम यहाँ से सोर्स डिफाइन कर रहे हैं डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पर हमें फाइल सेव करनी है। फाइल को नेम जो देना है आप यहाँ से फाइल को नेम दे सकते हो, जैसे एग्जिस्टिंग अनटाइटल टू है उसको रिमूव करिए और हम यहाँ पे नेम दे रहे हैं ई ज्ञान। हमने यहाँ पे नेम दे दिया। सेव टाइप है, कोरल की फाइल है तो CDR उसका एक्सटेंशन रहता है तो वो CDR फॉर्मेट में होगा। अभी हम सेव पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हो टाइटल बार में आपको दिखा रहा है जो नाम से फाइल सेव हुई है egan.cdr यानी कोरल ड्रॉ का एक्सटेंशन, ये फाइल सेव हो गई है। अगर आपको इस फाइल को क्लोज करना है तो फाइल मेन्यू में क्लोज ऑप्शन है, क्लोज करोगे तो सिर्फ एक फाइल क्लोज होगी, दूसरी फाइल ओपन है क्योंकि हमने सिर्फ क्लोज किया है तो यानी एक ही फाइल क्लोज हुई है। अगेन हम फाइल में जाके न्यू ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और ओके देते हैं तो दूसरी फाइल खुली है। हमें सारी की सारी फाइल्स क्लोज करनी है। आप यहाँ से मैक्सिमाइज ऑप्शन क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो दोनों फाइल आपको दिखा रही हैं। अभी हम क्लोज ऑल पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपको बॉक्स दिखेगा। सेम चेंजेस पे आपको लेना है तो लीजिए, वरना नो पे क्लिक करोगे तो वो सेव चेंजेस नहीं करेगा और सारी फाइल्स बंद हो जाएगी। अगेन हम फाइल मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से न्यू पे क्लिक करके हम यहाँ से नई फाइल लेंगे। अगेन अगर हमें फाइल ओपन करनी है जो हमने सेव की है तो फाइल मेन्यू में जाके हम ओपन पे क्लिक करेंगे जहाँ पे हमने हमारी फाइल सेव की थी, जैसे हमने डेस्कटॉप पे की थी, डेस्कटॉप सिलेक्ट करेंगे और हमारी फाइल जहाँ पे है हम वो फाइल सिलेक्ट करेंगे और ओपन पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हो हमने जहाँ पे फाइल सेव की थी वो ओपन हो गई है। अगर हमें इसी फाइल को दूसरे नाम से सेव करना है तो फाइल मेन्यू में जाके हम यहाँ से सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एस। उस पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें हमें फाइल को नया नाम देके सेम फाइल को सेव करना है। तो जैसे हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं रंगोली, उसका एक्सटेंशन भी CDR रहेगा और सेव पे क्लिक कीजिए। इसका मतलब ये नहीं होता है कि ओरिजिनल फाइल चली जाएगी, ये सिर्फ उसी की डुप्लीकेट कॉपी जनरेट हुई है। तो अगर हमें दोनों फाइल देखनी है तो हम देख सकते हैं, जिसके लिए हमें फाइल मेन्यू पे क्लिक करना रहेगा, ओपन पे क्लिक कीजिए। अभी आप यहाँ पे स्क्रॉल करके देख सकते हो हमारी फर्स्ट फाइल ईगियन वाली और सेकंड फाइल रंगोली वाली, इस तरह से हम उसको देख सकते हैं और सेव एज करके डुप्लीकेट बना सकते हैं। थैंक यू।